आज इस वीडियो में हम गैफी और उसके दोस्तों को एक मजेदार कहानी पर चर्चा करते हुए देखेंगे। ये देखो सनी, मेरे पास एक कहानी की किताब है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। क्या तुम इन कहानियों को पढ़ना चाहोगी? हाँ जरूर गैफी। क्या कर रहे हो गैफी और सनी? क्रॉक, गैफी ने मुझे ये कहानी की किताब दी है, क्या तुम भी इसमें से कहानी सुनना चाहोगे? हाँ सनी, बहुत मजा आएगा। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा था गोलू। गोलू के घर में एक शरारती चूहा आ गया। वह बहुत छोटा सा था मगर सारे घर में भागकर उधम मचाता था। हाँ एक बार मेरे घर में भी चूहा आ गया था, सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। दोस्तों क्या आपके घर में भी चूहा आता है? चलो कहानी में आगे पढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या हुआ। उसने गोलू की किताब भी कुतर डाली और उसके कपड़े भी कुतर दिए थे। गोलू की मम्मी जो खाना बनाती वो बिना ढके रख देती, चूहा उसे भी चट कर जाता था। हाँ एक बार मेरे घर में भी ऐसा हुआ था। माँ ने मेरी पसंद का खाना बनाया और चूहा मेरा सारा खाना चट कर गया था। मुझे खाने को ही नहीं मिला। चलो देखते हैं इस कहानी में आगे और क्या हुआ। चूहा खा पी कर बड़ा हो गया था। एक दिन गोलू की मम्मी ने एक बोतल में शरबत बना कर रखा। शरारती चूहे की नजर बोतल पर पड़ी और उसने शरबत पीने का ठान लिया। चूहा जैसे तैसे करके बोतल पर चढ़ गया और किसी तरह से ढक्कन को खोलने में भी सफल हो गया। जैसे ही चूहा शरबत पीने के लिए बोतल में मुंह घुसाता है तो देखता है कि बोतल का मुंह बहुत छोटा है, इसलिए चूहा उसमें अपना मुंह घुसा नहीं पाया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चूहे ने शरबत पिया होगा? अगर हाँ तो कैसे? मुझे लगता है चूहे ने शरबत पिया तो होगा मगर कोई ना कोई तरकीब लगाकर। देखते हैं कहानी में चूहे ने कौन सी तरकीब लगाई। चूहे को एक तरकीब सूझी, उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली। पूंछ बोतल में डालते ही वह शरबत से गीली हो जाती है और वह उसे चाट चाट कर अपना पेट भर लेता है। पेट भरने के बाद वह गोलू के तकिए के नीचे बने अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सो गया। अरे वाह, क्या तरकीब सोची चूहे ने शरबत पीने की, मजा आ गया। दोस्तों अब आपकी बारी है स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर अपनी कॉपी में लिखने की। आपको ये कहानी कैसी लगी? शरारती चूहे ने कुतर कुतर कर क्या खाया? अगर आप शरारती चूहे की जगह होते तो शरबत कैसे पीते? अपना उत्तर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ ये कहानी सुनाकर साझा करें। बच्चों इस वीडियो में हमने एक मजेदार कहानी पर चर्चा की।